आज हम बनाएंगे कुंदरू की रेसिपी, जिसे टेंडली भी कहते हैं। टेंडली को बनाने की विधि ज़्यादा समय नहीं लेती, इसके लिए कोई प्री प्रिपरेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम फटाफट भी बना सकते हैं। तो चलिए अब काटते हैं हम टेंडली। तो टेंडली को काटने के लिए बेसिकली तो हम क्या कर सकते हैं, इसे चार भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, जो आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे थोड़ा टेंडली को जल्दी बनाना है और इसलिए मैं इसे इस तरीके से काट दूँगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसे जैसे हम भरवा बैंगन बनाते हैं, भरवा बैंगनों की तरह भी हम इसमें चार कट लगा के इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर मुझे यार जल्दी है थोड़ी, तो इसलिए मैं इसे। आपको क्या करना है, कुंदरू को, टेंडी को अच्छे से पानी में वॉश कर लेना है। और मुझे मालूम है इस तरीके की सब्जियां मोस्टली घरों में कई बार हस्बैंड कई बार बच्चे नहीं खाते, पर अगर आप इस मेथड से ये सब्जी बनाएंगे तो यकीनन सबको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। अब हम इसे क्या करेंगे, हल्का सा एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बस हल्का सा, और वो भी थोड़े कम तेल में, ज़्यादा तेल में नहीं, बहुत कम तेल में, एक टेबलस्पून में हम इन सारे कुंदरुओं को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर हल्का सा नमक से, जैसे हम मैरिनेट करते हैं इसे, वैसे भी कर सकते हैं। इसमें हल्का सा नमक लगा लीजिए इसके ऊपर और इस तरीके से सारे में फैला लीजिए। लगभग 200 ग्राम कुंदरू के लिए मैंने एक मीडियम साइज टमाटर, 3 हरी मिर्चें और 2 छोटे प्याज, इतनी लहसुन की कलियाँ और इतना छोटा सा अदरक का टुकड़ा यूज़ किया है। अब हम इसे सबको काट लेंगे। तो चटपटे मसालेदार कुंदरू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, प्याज को बारीक बारीक काट लें और टमाटर को इस तरीके से महीन काट लें। और ये है हमारी जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे हल्का हल्का, देखिए अगर आप देखो तो इसमें थोड़े टुकड़े नज़र आ रहे थे, तो इसे मैंने इतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। कुंदरू बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 टेबलस्पून ऑयल, 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 1 टेबलस्पून
एक चम्मच बेसन। इसके बाद चलाते हुए बेसन को अच्छे से भून लें। जब इस तरीके से झाग आने लगे तो समझिए आपका बेसन भून गया है। और यहाँ पर डालेंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और फिर इसे लगातार तेज तेज चलाते रहिए और अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे मलाई भी और मलाई डालने से इसका बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और अगर कुछ लोगों को जैसे मलाई का स्वाद पसंद नहीं है तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हमें ऐड कर देने हैं हमारे कुंदरू जो हमने पहले थोड़े से फ्राई कर रखे हैं। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला मेथी और इसे अच्छे से हिला दें। और इसके बाद थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर देंगे।
हमारे चटपटे मसालेदार कुंदरू बनकर तैयार हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि उन्हें ये कुंदरू शुंदरू की उनकी रेसिपी कैसी लगी, तो टेस्ट करवाते हैं और आप भी बनाइए और अपने बच्चों और पति को खिलाइए जिन्हें कुंदरू बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे कुंदरू शुंदरू का नाम देते हैं।